हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्स क्लास। हमारा जो टॉपिक है वो है जिगा डैंग। जिगा डैंग जो है वो हम लोग सेलुलोज या नेचुरल फाइबर उनको डाई करने के काम में लेते हैं, या फिर ब्लेंड फैब्रिक जैसे पॉलिस्टर के साथ में अगर सेलुलोज में कॉटन या विस्कोस इस तरह का फैब्रिक है, ब्लेंडेड फैब्रिक या प्योरली कॉटन या प्योरली विस्कोस, तो वहां पर हम लोग उसको जिगा डैंग पे लेते हैं। जिगर डाइंग जो है ये बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है। इस पे हम लोग किसी कपड़े की स्कोरिंग स्कोरिंग का चैप्टर हमने समझा था कि क्या होती है स्कोरिंग। किसी भी फैब्रिक में ऑयल, वैक्स या जो भी कोई इम्प्योरिटीज होती है, चाहे वो स्पिनिंग स्टेज पे हो चाहे वीविंग स्टेज पे, उनको दूर करने के लिए हम लोग स्कोरिंग करते हैं। साथ में ब्लीचिंग, किसी फैब्रिक को ब्लीच करना, मतलब उसकी जो वाइटनेस होती है वाइटनेस को बढ़ाना, ब्लीचिंग करना, और उसके बाद होता है डाइंग। ये तीनों काम हम लोग जिगर मशीन पे करते हैं। जैसे मैंने बताया, जिगर पे हम लोग नेचुरल फाइबर्स या फिर सेलुलोज फाइबर्स उनको डाई करते हैं। इसमें दोनों तरफ रोलर्स होते हैं। रोलर्स के बीच में से फैब्रिक को हम लोग पास आउट करते हैं। एक रोलर से लेके दूसरे रोलर्स के बीच में फैब्रिक मूव करता है, और जो फैब्रिक है वो बॉटम मतलब जो उसका टब होता है उसमें से होके निकलता है। और उसी तरह से जब वो फैब्रिक एक रोलर से दूसरे रोलर पहुंचता है और वहां से वापस रिवर्स होके सेकंड से वापस फर्स्ट की तरफ जाता है, इस तरह से हम उसको 10 से 12 बार रोटेट करते हैं। जब भी कोई फैब्रिक हमारे पास आता है, जैसे वो अगर ब्लेंडेड फैब्रिक है या फिर कॉटन फैब्रिक है, तो उसको अगर वो कॉटन फैब्रिक है और अगर वो साइज फैब्रिक है, तो हम उसको सबसे पहले डिसाइज करते हैं। डिसाइज करने का मतलब होता है जो हमने उस पर स्टार्च या मांडी चढ़ाई है, जो हमने साइजिंग, जैसे हाँ अगर हम लोग स्पिनिंग पढ़ा होगा तो उसमें समझाया गया है कि साइजिंग क्या होती है। डिसाइज में जो केमिकल लगा होता है, जो स्टार्च होता है, उसको हटाने के लिए हमें एमलेस एंजाइम उसमें 1 से 3% यूज करते हैं, और साथ में 1% डिटर्जेंट यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारा प्रोसेस होता है, जैसे हमने बताया कि इसको सबसे पहले डिसाइज करते हैं। डिसाइज के बाद में अगर उसको जरूरत होती है स्कोरिंग की, तो स्कोरिंग की जाती है। उसमें देखा जाता है कि वो पीसी फैब्रिक है या फिर कॉटन फैब्रिक है, उस हिसाब से जरूरत के हिसाब से हमें स्कोरिंग, अगर जरूरत होती है स्कोरिंग की जाती है। उसके बाद ड्राइंग होता है ड्राइंग रेंज पे, और उसके बाद जो हमें उसकी हीट सेटिंग की जाती है स्टैंडर्ड मशीन पे, वो भी हमने इसी जो हमारा कोर्स है इसमें समझाया कि हीट सेटिंग कैसे होती है स्टैंडर्ड पे। और उसके बाद होती है मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग में हमारा चैप्टर आ चुका है जिसमें हमने समझा कि मर्सराइजिंग क्या होती है। मर्सराइजिंग के बाद जो है वो वापस ड्राइंग होती है। ड्राइंग होने के बाद जो होता है स्ट्रिंजिंग होती है। स्ट्रिंजिंग भी हमने चैप्टर पढ़ लिया है कि स्ट्रिंजिंग क्या होती है। और उसके बाद जो होता है वो कॉटन डाइंग होती है या विस्कोस डाइंग होती है, वो होती है हमारी जिगर पे। तो जनरली इसमें तीन तरह की डाइंग यहाँ यूज करते हैं हम लोग। एक रिएक्टिव डाइंग होती है, दूसरी वेट डाइंग, और तीसरी होती है सल्फर डाइंग। विस्कोस डाइंग जो होती है वो pH 10 पे होती है। पॉलिस्टर का हमने जैसे समझा था pH 4 पे, और यहाँ पर जो विस्कोस डाइंग होती है वो pH 10 पे होती है। वेट डाइंग जो है कॉस्टली होती है, उसका जो डाइंग पिकअप होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और उसके बाद सल्फर, और सल्फर के बाद जो सबसे कम जिसको कहेंगे वो होता है रिएक्टिव। रिएक्टिव का डाइंग पिकअप कम होता है कंपेयर टू वेट और सल्फर। लेकिन फर्क होता है, अगर हमें फैब्रिक में शाइन चाहिए, कपड़े में चमक चाहिए, तो हम उसको फिर रिएक्टिव डाइंग कराएंगे। और जैसे कॉटन में हमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग की जरूरत नहीं होती है, तो वहां पर हम उसको सल्फर में यूज करते हैं। और अगर हमें गारमेंटिंग में वॉशिंग करानी है, वॉशिंग का मतलब होता है कि जो हमने डाई यूज की है उसको फेड करना, तो वो वॉशिंग कराने के लिए हमें फिर सल्फर डाइंग करानी पड़ती है। तो हमें अगर फैब्रिक नॉन वॉश में रखना है, वॉशिंग नहीं करानी है, तो हम उसको रिएक्टिव डाइंग कराएंगे। अगर हमें फैब्रिक को वॉशिंग करानी है, वॉशिंग इफेक्ट देना है, कैप
केमिकल वॉश कराना है तो हमें उसको सल्फर डाइंग करानी होती है। जो जिगर डाइंग में जो हम लोग डाई करते हैं वो हर तरह के शेड के लिए सुटेबल होता है। इसमें कलर फास्टनेस भी एक्सीलेंट होती है और छोटी लिकर डाइंग मशीन होती है, स्पेस कम घेरती है। ये मोस्टली नेचुरल के लिए या फिर सेलुलोज फाइबर्स के लिए या फैब्रिक के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। इसका जो बड़ा वर्जन है वो होता है जंबो मशीन। जंबो मशीन में होता है एक तो टेंशन कंट्रोल का बेनिफिट मिलता है, फैब्रिक स्पीड ज़्यादा होती है, वहाँ पर हम लोग जो बीम होता है मतलब फैब्रिक जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ डाई कर सकते हैं, स्मूथ वर्किंग होती है उसकी। ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल हम लोग वहाँ समझ सकते हैं कि टेम्परेचर क्या है वो चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं उसके अलावा। और जर्क लेस होता है इसमें, वर्किंग जो है वो स्टॉप एंड स्टार्ट वो ज़्यादा प्रेफर होता है अगर हमें फैब्रिक का जो मीटरेज है वो ज़्यादा हो। स्टेनलेस स्टील से बना हुआ एक टैंक होता है, इसकी कैपेसिटी करीब 300 लीटर की होती है। ये आपको दिखाया जा रहा है, इसमें ये टैंक है जिसपे हम लोग जो भी केमिकल या डाइज है वो यूज़ करते हैं, और इसके नीचे जो है वो कोयल होती है टेम्परेचर देने के लिए जो इसको गर्म करती है। यहाँ पर जो हम 80 डिग्री का टेम्परेचर रखते हैं, 80 डिग्री पे कपड़ा जो है वो डाई हो जाता है, सेलुलोज या नेचुरल फाइबर। जैसे हमें किसी फैब्रिक की अगर कंबाइंड स्कोरिंग और ब्लीचिंग करनी हो तो वहाँ पर हम हाइड्रोक्सन पेरोक्साइड ये जो ब्लीचिंग एजेंट होता है ये यूज़ करते हैं 2 to 5%, और उसके अलावा कॉस्टिक सोडा यूज़ करते हैं, ये होता है स्कोरिंग एजेंट जिसको हम 1 to 2% यूज़ करते हैं। उसके अलावा वेटिंग एजेंट होता है जो वेटिंग टेंडेंसी बढ़ाता है किसी भी फैब्रिक की, वो हम 0.1 to 0.5% यूज़ करते हैं। उसके अलावा सोडियम सिलिकेट ये 1 से 3% यूज़ करते हैं हम, और पानी का हार्डनेस जो होता है उसको रिडक्शन करने के लिए जो एजेंट यूज़ करते हैं वो 0.5% यूज़ करते हैं हम। ये बताया जा रखा है एडजस्टिंग फैब्रिक टेंशन, किसी फैब्रिक को हम लोग जब चलाते हैं तो उसकी टेंशन जो होती है उसको हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। इसी तरीके से डाइंग में और वॉशिंग में वहाँ हम जो यूज़ करते हैं, जैसे जो भी डाई हम यूज़ कर रहे हैं, रिएक्टिव डाइंग, वेट डाइंग, जेट या सल्फर डाइंग, और उसके अलावा यहाँ यूज करते हैं वेटिंग एजेंट 0.5%, उसके अलावा सोडियम क्लोराइड 5%, और सोडियम कार्बोनेट ये होता है फिक्सिंग एजेंट। जो भी हम लोगों ने डाई यूज किया है वो उस कपड़े में फिक्स हो जाए, फिक्सिंग एजेंट इसलिए यूज करते हैं, और वो होता है 1 to 2%। उसके अलावा सोप होता है, जो भी हमारा जो डाई है उसके अलावा जो अनफिक्स्ड होता है डाई उसको हटाने के लिए वो हम सोप यूज करते हैं 0.5%। मैंने वैसे बताया इस वाले टब में कॉइल होती है, हीटिंग के काम आती है वो, और इसमें हम लोग इसको 10 से 12 बार फैब्रिक को एक रोलर से दूसरे रोलर के बीच में चलाते हैं। और जब वेटिंग यूज करते हैं, जब 4 राउंड लेते हैं, उसके बाद जब हम लोग आफ्टर डाई जब डाई यूज करते हैं तो 4 राउंड लेते हैं, उसके बाद 15 मिनट का इसमें गैप देते हैं। और फाइनली जो हम इसमें एसिटिक एसिड जो एंटी ग्रीजिंग इनके लिए यूज करते हैं, किसी तरह की ग्रीज नहीं रहे इसके अंदर, और बाद में इसको रूम टेम्परेचर पर ले आते हैं।
ये बताया जा रहा है इसमें कि जो डाइंग है वो कैसे हो रही है। एक रोलर से दूसरे रोलर के बीच में फैब्रिक 10 से 12 बार चलता है, और नीचे जो होता है वो केमिकल साथ में डाई होता है, जो भी कलर हमें करना होता है। यहाँ पर टेम्परेचर में 80 डिग्री रखते हैं। साथ में इसमें टेकअप और लेट ऑफ रोलर्स भी होते हैं जो फैब्रिक को घुमाते हैं। स्टेनलेस स्टील के बने हुए रोलर्स होते हैं और जो फैब्रिक रोल्स को घुमाते हैं। और पंप होता है इसमें जो लीकर सर्कुलेशंस के काम आता है, जो हमारा जो जिसमें टब में जो भी केमिकल या कलर्स होता है उसको सर्कुलेट करने के लिए। अदरवाइज जो टेम्परेचर होता है वो सिमिलर नहीं रहता है, और उसकी वजह से जो है फैब्रिक में शेड वेरिएशन आ सकता है दोनों साइड में। मतलब जो पन्ने होता है, जो वन विड्थ से लेके अदर विड्थ तो होती है, उसके बीच में शेड वेरिएशन आ सकता है अगर वो टेम्परेचर को हम लोग इवन नहीं करेंगे तो। तो फैब्रिक को जो लिकर होता है, लिकर को हम लोग सर्कुलेट करते हैं बीच बीच में। इसी तरीके से फैब्रिक को हम लोग 10 से 12 बार इसमें चलाते हैं, वन से सेकेंड रोलर की तरफ, और वापस रिवर्स करते हैं सेकेंड से फर्स्ट रोलर की तरफ। कोई भी हमारा ब्लेंडेड फैब्रिक है जैसे पॉलिस्टर विस्कोस, पॉलिस्टर कॉटन, तो उसको डाई करने के लिए हम उसका पहला जो पोर्शन है वो पॉलिस्टर पोर्शन डाई करते हैं, वो जेट डाइंग में होता है। और उसके बाद जो सेकेंड पोर्शन होता है हमारा विस्कोस या कॉटन, वो हम जिगर डाइंग पे करते हैं। पॉलिस्टर पोर्शन जो होता है वो उसमें डिस्पर्स डाइंग यूज करते हैं हम लोग, और कॉटन जिसको हम लोग कहेंगे नेचुरल या फिर जो सेलुलोज फाइबर्स होते हैं उनको हम लोग वेट डाइंग, रिएक्टिव डाइंग और सल्फर डाइंग यूज करते हैं। जैसी हमारी नीड होती है, जिस फैब्रिक की जो नीड होती है और जो हमारी आगे की डिमांड होती है, उसी हिसाब से हम उस डाई को यूज करते हैं। तो जिगर डाइंग पे या जम्बो डाइंग पे हम लोग स्कोरिंग भी कर सकते हैं, ब्लीचिंग कर सकते हैं, या फैब्रिक की डाइंग कर सकते हैं। स्कोरिंग जो है वो स्कोरिंग मशीन पे भी होती है, और चाहे हम उसको जिगर या जम्बो पे भी स्कोरिंग कर सकते हैं। ये जिगर मशीन के फंक्शन समझाए गए हैं। ये एडजस्टेबल टेम्पलेट्स होते हैं, फैब्रिक टेंशनर के यूज होता है इसमें। या आपको टब दिख रहा होगा जिसमें हम लोग कलर यूज करते हैं या केमिकल यूज करते हैं। फ्लड लेवल एडजस्टेबल होता है। ओपन और क्लोज दो तरह की मशीन होती है।
दिखा रहे क्लोज मशीन। यह देख रहे फैब्रिक एक रोलर से दूसरे रोलर के बीच में चलता है और नीचे जो है वहां पर कलर होता है, टब में कलर में से निकलता है फैब्रिक। इस तरीके से उसको 10 से 12 बार फैब्रिक को हम लोग राउंड लेते हैं। और फैब्रिक में इवन डाई रहे उसके लिए हमें जो लिकर है उसको सर्कुलेट करना पड़ता है ताकि वो जमा नहीं रहे नीचे, कलर जो है वो नीचे नहीं जम जाए। यहाँ फैब्रिक को लोड कर रहे हैं हम लोग। जो स्कोरिंग प्रोसेस हो रहा है लिकर का ही टेम्परेचर इवन रहे उसके लिए हमें जो लिकर होता है उसको तो वाइब्रेट या हिलाना होता है किसी भी, या तो मोटर की हेल्प से या मैन्युअली। जैसा बता रही है जंबो मशीन है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, करीब 1000 किलो तक इस पे हम लोग बीम डाई कर सकते हैं। जिगर जन मशीन जो है वो 150, 200, 300 इस तरह के कैपेसिटी की होती है, और जम्बू जो होती है वो 1000 किलो तक इजीली हम उसको ट्राई कर सकते हैं किसी भी बीम को।